अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीना रईस। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मीना रईस। होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी। आज हम बना रहे हैं इजी सिंपल चना चटपटा राइस। गर्मियों में आप इसे लंच में रायते सलाद के साथ तनावुल फरमाएं। कुछ टिप एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपके राइस एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। आई होप रेसिपी पसंद आएगी। थम्स अप दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिसे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जनाब, चलते हैं रेसिपी की जानेब। अल्लाह के बाबरकत नाम से रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, खुले मुंह का बर्तन लेना है। इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत। मैंने एक कप के बराबर ऑयल ऐड किया है क्योंकि पुलाव या चना राइस इस तरह के जो हम बनाते हैं उसके लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड होंगे, वो कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान के फूल हैं लेकिन उनको हमने हाथ से तोड़ लिया है, 5 से 6 हमारे पास है हरी इलायची, और 2 से 3 है सिनेमन स्टिक के टुकड़े, और ये हैं 2 से 3 बड़ी इलायची हैं, और ये है आधा आधा आप टीस्पून इनको कह सकते हैं लौंगे और काली मिर्चें हैं। इनको ऑयल के अंदर ऐड करेंगे और 2 से 3 हमने इसके अंदर तेज़पात ऐड करने हैं, बे लीव्स। अच्छा, इनको हल्का सा हम क्रैकर करेंगे ऑयल के अंदर, थोड़ी सी खुशबू इनकी जो है इन्हेंस हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली, उनको हमने स्लाइस में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। अच्छा, मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, बस लाइट सा हमने इस पर कलर देना है। चलें जी, प्याज पे देखें लाइट सा कलर आ गया, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना है वरना फिर हमारे राइस का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हमने इसे यहाँ पर भून लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। बहुत इजी और सिंपल वे में आपको मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो फर्स्ट टाइम भी कुकिंग करेंगे वो भी बआसानी इसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चियों की फरमाइश थी कि चना राइस का आप शेयर करें रेसिपी, लेकिन बहुत इजी और सिंपल हो, तो वो उस लिहाज से मैं ये आपके साथ ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि उन बच्चियों को ये रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उन्हें स्लाइस में कट कर लिया है, और ग्रीन चिल्ली ऐड करें। ग्रीन चिल्ली आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और 2 से 3 सेकंड हमने सिर्फ कवर करके रखना है कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। चलें जी, 2 से 3 सेकंड हमने इसे कवर किया है और देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो कुछ इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया। इन तीनों चीज़ों को हमने रोस्ट किया है और इन तीनों चीज़ों को हमने हल्का हल्का सा जैसे दरदरा सा कूटते हैं ना, इस तरह से पीस लें या कूट लें, ये डजन मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लिया है सॉल्ट, आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लिया है चिली फ्लेक, ये भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर लिया है ब्लैक पेपर, ये चीज़ें ऐड होंगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। अच्छा जी, साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून दही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से अब इन तमाम चीज़ों को भून लेंगे। पर हम ऐड कर रहे हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उन्हें हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐड नहीं करिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधा कप के बराबर हमने पानी ऐड करके कवर करके आलूओं को गला लेना है। बस गैस फ्लेम स्लो कर देंगे और कवर करके हमने इतनी देर पकाना है कि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। चले जी, तकरीबन आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ी बहुत कसर है वो जो हम चावल दम पे रखेंगे उसके अंदर कवर हो जाएगी। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 चिकन क्यूब्स, अगर ये ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। चना पुलाव बिरयानी की रेसिपी में पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं बआसानी, बहुत मज़े की, बहुत लजीज बन के तैयार हुई थी वो भी।
अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम ऐड कर रहे हैं सफेद चने। इनको हमने बॉईल कर लिया था, ओवरनाइट हमने सॉक किया था मीठा सोडा डाल के, और अब हमने ने बॉईल किया है सिर्फ सॉल्ट ऐड करने के बाद। अच्छा, ये 250 ग्राम्स है हमारे पास, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसके साथ कुछ हरे धनिया और पुदीने के पत्ते, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अराउंड 2 2 टेबल स्पून होंगे ये। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून इमली का पल्प। इसको ऐड करने से बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है हमारे राइस में। सिर्फ पल्प ऐड करना है आपने। चलिए, जब 2 से 3 मिनट हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि चीज़ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए, इनका फ्लेवर जितना भी हो सब आपस में यकजा हो जाए। चलिए जी, माशाल्लाह से अभी से इतनी प्यारी से खुशबू आ रही है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई हैं, मिक्सअप हो गई हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे राइस के हिसाब से पानी। अभी हमने इसके अंदर ऐड किया है 2 ग्लास और हाफ ग्लास, 2.5 ग्लास हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। बॉईल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉईल आ गया है, अब इसके अंदर हम राइस ऐड कर रहे हैं। 100 ग्राम्स राइस है, अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद आधा घंटा हमने इन्हें सॉक किया है पानी में। सारे ऐड कर देंगे, एक बार चमचा चला के अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर देंगे। बॉईल आने का वेट करेंगे और फिर कवर कर कर हमने इतनी देर पकाना है कि राइस हमारे जितना भी पानी है सारा एब्जॉर्ब हो जाए, ड्राई हो जाए, और एक दो बार हमने चमचा चलाते रहना है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। देखें, राइस के अंदर पानी का तनासुब किस तरह देखा जाए। अच्छा, अब आप ये देखें, ये हमारी फिंगर है, इसका ये वाला पार्ट जो जो लाइन है ना, ये लाइन ये हमने इस तरह ऐड करनी है। अभी गर्म है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह ऐड करनी है। ये देखें, बस ये राइस से इतना ऊपर हमारा पानी होना चाहिए। ये तो ये परफेक्ट जो होता है मेजरमेंट होता है राइस के अंदर पानी ऐड करने का। अच्छा, ये तरीका मैंने उन बच्चियों के लिए शेयर किया है जिन्होंने अभी न्यू न्यू कुकिंग स्टार्ट की है। बस अब हम बॉयल आने का वेट करेंगे और इसे कवर कर कर रख देंगे। चलें जी, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और इसका देखें तकरीबन सारा पानी ड्राई हो चुका है, और एक दो मरतबा हमने इसके अंदर चमचा चलाया था, उलट पुलट किए थे। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे फूड कलर, येलो फूड कलर है, और इसके अंदर हमने 1 से 2 ड्रॉप केवड़े के ऐड किए थे, और 1 पिंच ऑफ हमने जायफल जावित्री ऐड किया था, उससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। चलें, बस अब हम इसे दम पर रखते हैं। गैस फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो कर दी है, और स्लो बिल्कुल फ्लेम पर हम इसे दम पर रख रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए, अब देखते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह ज़बरदस्त, चेक करते हैं। देखिए, हल्के हाथ से ने अप डाउन करेंगे, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देखिए कितने परफेक्ट माशाल्लाह से खिले खिले राइस हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब एक बार हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। आई होप रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा और इसे लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।